स्वागत। दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सारे 32 NITs जो है उसमें EWS कैटेगरी का कट ऑफ क्या होने वाला है। हर एक कैटेगरी वाइज हम वीडियो दे रहे हैं आपको, जनरल का दे चुके हैं, ओबीसी एससी सबका दे चुके हैं, PWD का भी। तो यहाँ पे EWS का बात करेंगे हम। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं NIT त्रिची का 215 212 ये है मेल एंड फीमेल का। और जो भी मार्क्स हम बता रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मॉडरेट पेपर क्लियर। अगर पेपर इजी आता है या डिफिकल्ट तो मार्क्स थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सेकंड अटेम्प्ट का देख रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लगेगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इसी के लिए 210 205, लोएस्ट के लिए 125 122। और ये अदर स्टेट का स्टूडेंट के लिए है, जैसे 93 बहुत लोग जाना चाहते हैं अक्रॉस इंडिया से, तो उन सब के लिए। अगर आप होम स्टेट से हैं 93 के तमिलनाडु से, तो वहां से हो सकता है आपको थोड़ा कम पे भी मिल जाए, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो सूरत कल के लिए 212 205 124 मेल के लिए, फीमेल के लिए स्लैश के बाद आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। NIT वारंगल के लिए 210 199 124, फिर अलाहाबाद के लिए 199 193 117, फिर राउरकेला के लिए 205 181 और 114, फिर कालीगढ़ के लिए 193 187 118, फिर जयपुर के लिए 187 175 117, फिर नागपुर के लिए 187 173 120, फिर कुरुक्षेत्र के लिए 175 170 114, फिर दुर्गापुर के लिए 165 158 108, जो कि CS और EC और लोअर। लोअर मीन्स किसी भी ब्रांच के साथ, बस उस कॉलेज में आपको जाना है। तो आगे बात करते हैं रायपुर के लिए 155 150 101, भोपाल 168 160 114, फिर सिलचर के लिए 163 155 112, फिर सूरत के लिए 172 175 116, फिर गोवा के लिए 163 153 और 115, फिर NIT जलंधर के लिए 158 147 105, फिर जमशेदपुर के लिए 163 150 113, फिर पटना के लिए 148 143 109, उत्तराखंड के लिए 147 140 111, फिर हमीरपुर के लिए 165 150 108, फिर शिवपुर के लिए 160 150 104। ये हो गया। अभी आप बात करें अगर NIT दिल्ली का, तो यहाँ पे 163 155 120। यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस एंड मेंटरशिप के बारे में, जो कि नेक्स्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं वीडियो का डिटेल। अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नॉमिनल चार्ज लगेगा आपको उसके लिए अभी से एडमिशन तक का। सो दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस पाथ को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे। तो आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं AP के लिए 138 135 103, पुडुचेरी 147 143 106, श्रीनगर के लिए 138 133 98, फिर मणिपुर के लिए 135 130 103, मिजोरम 120 115 100, सिक्किम 125, अरुणाचल 130 125 98, फिर नागालैंड के लिए 128 121 100, मेघालय के लिए 143 135 106, अगरतला के लिए 141 125 100। ये हो गया आपका टोटल जो EWS कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगा। NIT में सारे NIT के लिए बात कर दी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू।